मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम्स ओवर हो गए हैं और हम अब आज से आगे सिलेबस शुरू कर रहे हैं और हमें अब जो हाफ ईयरली का सिलेबस है उसको कराना है आपको। और जैसे कि हमारी बुक के अंदर आप देखो, ये हमने क्वेश्चंस करा दिए थे, नंबर सिस्टम ये चैप्टर करा दिया था, उसके बाद होल नंबर्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, फिर इंटीजर्स और एलजेब्रिक एक्सप्रेशन तक मैंने कंप्लीट कराया था। उसका सिक्स चैप्टर लाइंस, एंगल्स एंड शेप्स, लाइंस एंगल्स एंड शेप्स में शायद कुछ पार्ट करा दिया था मैंने और कुछ रह गया तो लेकिन हम उसे फिर से स्टार्ट करेंगे। आज मैं शुरू से करना चाहूँगा इसको, क्योंकि अब हमारे ग्रुप में कुछ और स्टूडेंट्स भी ऐड हो गए हैं, जिन कुछ नए स्टूडेंट्स भी ऐड हुए हैं और कुछ ओल्ड एडमिशन वाले भी जो हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं मोस्टली, तो अब जो है वो एक बड़ा नंबर है इसमें ग्रुप में। तो मैं चाहूँगा कि हम सिक्स चैप्टर से स्टार्ट करके और एटलीस्ट 9 तक हम इसे कंप्लीट करेंगे फॉर हाफ ईयरली एग्ज़ाम, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं कि पहले 6 चैप्टर से स्टार्ट करके और 9 तक करेंगे, 6 से 9 तक करेंगे और उसके बाद फिर हम एक रिवीजन भी लेंगे इसका उसके बाद, क्योंकि हमें वर्कबुक भी करनी होती है तो हम उसको क्विकली उसको रिवाइज भी करेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे लाइंस, एंगल्स एंड शेप्स, ठीक है। तो आज हम लाइंस, एंगल्स एंड शेप शुरू करते हैं और कुछ पार्ट मैंने इसका करा दिया था शायद लाइंस, एंगल्स एंड शेप्स का, एक बार फिर से कर लेते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमने 5 चैप्टर ही एग्ज़ाम में दिए थे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तक। उसके बाद लाइंस, एंगल्स एंड शेप्स में हम कॉमिक पोर्शन पहले रीड करते हैं और मैं इसको इसलिए यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि जो कुछ नए स्टूडेंट्स हमारे साथ ऐड हुए हैं तो उनको भी थोड़ा सा प्रॉपरली जुड़ पाएंगे, प्रॉपरली कनेक्ट हो पाएंगे, है ना। तो हमारा जो चैप्टर है, तो 6 चैप्टर है लाइंस, एंगल्स एंड शेप्स। तो इसमें हम पहले जो हमारा कॉमिक पोर्शन है हम उसको पढ़ते हैं, क्योंकि एज यू नो इन ईडेक आप क्या करते हो, फर्स्ट यू रीड अ कॉमिक पोर्शन और वो कॉमिक पोर्शन आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है विद द सब्जेक्ट, विद द टॉपिक लाइंस, एंगल्स एंड शेप्स, है ना। इसमें लाइंस, एंगल्स एंड शेप्स से कनेक्ट करेगा और बाकी जो सब्जेक्ट, बाकी जो भी टॉपिक्स हैं जिस चैप्टर के अंदर, उनसे कुछ कनेक्ट करता है, आपको कुछ उसके बारे में बताता है। तो हम ज़रा इसको अब रीड करते हैं। मिस्ट्री ऑफ द अनडिफाइंड अनआइडेंटिफाइड शेप। तो मिस्ट्री ऑफ अनआइडेंटिफाइड शेप, द एलियंस हैव कलेक्टेड। मिस्ट्री ऑफ अनआइडेंटिफाइड शेप का मतलब है कि ऐसी शेप जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं उसको, उस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए शायद ये एलियंस जो हैं वो अपना एक मिशन शुरू कर रहे हैं। द एलियंस हैव कलेक्टेड 5 मिस्ट्री ऑब्जेक्ट्स। एलियंस जो हैं उन्होंने कलेक्ट किए हैं 5 मिस्ट्री ऑब्जेक्ट्स एंड आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स देयर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। और वो 5 मिस्ट्री ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करके अपने अगले डेस्टिनेशन पर, अपने अगले पड़ाव पर, अब अपने अगला जो उनका पॉइंट है जहाँ उनको रुकना है, जहाँ उनको कुछ सर्च करना है, उनको अपना जो मिस्ट्री है उसको सॉर्ट आउट करना है, उसके लिए वो मूव करते हैं। द प्लेस सीम्स टू बी अबंडंड स्पेस क्राफ्ट वर्कशॉप। तो अबंडंड स्पेस क्राफ्ट वर्कशॉप, यानी जहाँ स्पेस क्राफ्ट वर्कशॉप है, जहाँ पर स्पेस क्राफ्ट जो हैं वो सही किए जाते हैं या बनते हैं, लेकिन वो खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, बेकार वीराना पड़ा हुआ है, सुनसान पड़ा हुआ है। तो आई एम सो एक्साइटेड वी हैव फाउंड 5 ऑफ आवर मिस्ट्री एलिमेंट्स, लेट अस नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। हम बहुत एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैंने जो 5 मिस्ट्री एलिमेंट्स हैं वो फाइंड आउट कर लिए हैं, लेकिन अब हम चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ और कुछ एक्सप्लोर करने हैं और कुछ खोजने, ठीक है। यस आई कैन सी इट, इट इज़ अप्रोचिंग बट आई कैंट मेक आउट व्हाट इट इज़। उसने कहा कि ठीक है, मुझे, मैं ये देख सकता हूँ ये आ रहा है,
दिख रहा है, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि है क्या चीज़। इट सीम्स लाइक सम एबंडेंड वर्कशॉप। ये कुछ एबंडेंड का मतलब है कि जो जहाँ पर काम ना चल रहा हो, जो बिल्कुल बेकार कंडीशन में उजड़ी हुई पड़ी हुई हो, तो एबंडेंड वर्कशॉप है जहाँ पर कोई भी दिख नहीं रहा है, खाली पड़ी हुई है ऐसे ही। जो वर्कशॉप ऐसी है जिसमें कभी काम होता था और ये अब वो ऐसे ही पड़ी हुई है। लुक दोज आर पार्ट्स ऑफ एन स्पेस क्राफ्ट। दोज आर पार्ट्स ऑफ अ स्पेस क्राफ्ट। इट मस्ट बी अ स्पेस क्राफ्ट मेकिंग वर्कशॉप। तो ये देखो पार्ट्स हैं स्पेस क्राफ्ट के, इसका मतलब है इट मस्ट बी अ स्पेस क्राफ्ट मेकिंग शॉप वर्कशॉप। इसका मतलब है ये स्पेस क्राफ्ट हैं जो स्पेस क्राफ्ट मेकिंग वर्कशॉप है, यहाँ पर स्पेस क्राफ्ट बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज बट वेयर आर बी गोइंग टू फाइंड अवर कोडिंग मशीन। मगर हमें ये कोडिंग मशीन कहाँ मिलेगी। नेक्स्ट इज द मैप हेयर शोज अ स्मॉल केबिन टूवर्ड्स द राइट। राइट में एक छोटा सा केबिन है जो इस बुक के अंदर, बुकलेट के अंदर लिखा हुआ है कि ये राइट में एक छोटा सा केबिन है। तो क्या है केबिन में? देयर इट इज, आई कैन सी द कोडिंग मशीन इन द केबिन। और मुझे वो केबिन के अंदर मशीन दिख रही है। व्हाट डू वी डू नाउ। अब हमें क्या करना है? रीड द क्लू गिवन ऑन द मशीन। के अंदर जो क्लू दिया हुआ है उसे ध्यान से पढ़ना है। लुक एट द शेप केयरफुली। जो शेप है उसको बहुत ध्यान से देखना है। एंटरिंग द नंबर ऑफ वर्टिसेस फॉर द गिवन शेप। जो शेप है उसके वर्टिसेस काउंट करने हैं। एंटरिंग द नंबर ऑफ वर्टिसेस। वर्टिसेस का मतलब हुआ किसी भी शेप में कितने कॉर्नर हैं, कितने कोने दिख रहे हैं, कितने कोने दिख रहे हैं। जैसे कि ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है और इस रेक्टेंगल में कितने कॉर्नर हैं, 1, 2, 3 और 4। देयर आर 4 कॉर्नर्स इन अ रेक्टेंगल। तो इसी तरह से जो शेप है उसके अंदर कितने कॉर्नर, कितने कोने दिख रहे हैं, जिनको बोलते हैं वर्टिसेस। फॉर द गिवन शेप विल एक्ट विद द मशीन। आपको ये देखना है कि जो फिगर उसके अंदर दी है उस फिगर में कितनी नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, और वो एग्जैक्ट नंबर जब आप इसमें डालोगे, फीड करोगे, इट विल एक्ट, तो ये मशीन को एक्टिवेट कर देगा। हाउ विल बी एंटर द वर्टिसेस when we can't identify shape at the first place। हम कैसे एंटर करेंगे vertices when we can't identify the shape। अगर हम शेप को ही आइडेंटिफाई नहीं, हम कैसे उसे vertices कैसे काउंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? आई थिंक आई कैन आइडेंटिफाई अ फ्यू पार्ट्स ऑफ इट। मुझे कुछ पार्ट्स इसके समझ में आ रहे हैं। ये शेप दी हुई है, इस शेप में उसे वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं, और ये कह रहा है एलियन कि इस शेप को पहले फाइंड आउट करो कि ये शेप कौन सा है, इसका क्या नाम है, उसके बाद हम आराम से इसकी वर्टिसेस काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेट मी ट्राई सम कॉम्बिनेशंस। मैं कुछ कॉम्बिनेशंस ट्राई करता हूँ, क्योंकि ये फिगर जो है वो कॉम्बिनेशन लग रहा है, कुछ फिगर्स का कॉम्बिनेशन लग रहा है। तो मैं ये लेट मी ट्राई सम कॉम्बिनेशंस, तो मैं कुछ फिगर्स के ट्राई कॉम्बिनेशंस से इसे ऐड करके बनाने की कोशिश करता हूँ। नथिंग इज़ वर्किंग, लेकिन मुझे लग रहा है जो फिगर्स मेरे पास हैं वो काम नहीं कर रहे। उनको ऐड करके मुझे समझ नहीं आ रहा ये फिगर कैसे बना है। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। अब मुझे समझना पड़ेगा, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करेंगे। तो लेट अस आस्क रोबोनो। इनके पास एक रोबोट है, उस रोबोट से ये पूछना चाहेंगे कि चलो ये ये महाशय अब रोमोनोम जो हैं, तो एज यूजुअल इसके अंदर अब आएगा मिस्ट्री टू सॉल्व। मिस्ट्री टू सॉल्व आएगा। मिस्ट्री में ये आप बताएंगे कि ये क्या सॉल्यूशन चाहते हैं, क्या सॉल्व करना चाहते हैं, और इसके अलावा होगा चार जो एलियंस हैं उनके व्यूज़ क्या होंगे। जैसे एफेडेक का व्यू है, आई थिंक टू अंडरस्टैंड द शेप। शेप को अंडरस्टैंड करने के लिए वन मस्ट नो, एक
किसी को समझना चाहिए ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री, किसी को सारे कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री के समझ में आने चाहिए या उसे जान उसे आना चाहिए, ओनली देन ही विल नो द राइट सोल्यूशन ऑफ दिस मिस्ट्री, है ना। ये मिस्ट्री को सॉल्व करने में कौन कामयाब होगा, जो ज्योमेट्री के बारे में, ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में अच्छी तरह नॉलेज रखता होगा। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंस डिफरेंट ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स विच कैन बी यूज्ड हियर, और कौन सा ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट ऐसे हो सकते हैं जिनको हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। एस्ट्रोडेक क्या कर रहे हैं, कह रहा है आई थिंक कॉन्सेप्ट्स लाइक लाइन्स एंड एंगल्स हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द डिज़ायर्ड शेप। तो मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट जैसे लाइन्स एंड एंगल्स, उनके उससे रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट है वो हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द डिज़ायर्ड शेप। नाउ क्लूनडेक क्या कह रहे हैं कि नाउ आई थिंक देयर शुड बी अ लॉट मोर, इससे भी ज़्यादा हमें जानना पड़ेगा, बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी अदर, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि क्या, लेकिन इससे भी ज़्यादा कुछ हो सकता है। तो हाइपोमेनिया में आपके अंदर का डिटेक्टिव क्या कह रहा है, यानी आपके अंदर कोई जासू, अगर आपके अंदर कुछ जासूसी का फन है, कुछ आपके दिमाग में ये है कि मैं कुछ सर्च करूँ, कुछ खोज के बताऊँ, तो आप सोचते हो इसके बारे में जो हमने कॉमिक पोर्शन रीड किया उसके बारे में आपको रिजल्ट दिखना है कि आपको आपने आपको खोजना क्या है, मिस्ट्री टू सॉल्व, और उसे हम कैसे खोज सकते हैं, उसको हम कैसे सर्च कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। जैसे इन्होंने अपना डिसीजन दिया, इन्होंने कहा कि ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट के बारे में जानो, कि कुछ और अदर डिफरेंट ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानो, फिर ये कह रहे हैं कि मुझे जो है लाइंस एंड एंगल्स के बारे में अगर जानकारी हो जाए तो मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ, शायद वो प्रॉबेबली हेल्प करे, और ये कह रहे हैं नहीं नहीं इससे ज़्यादा, इससे कुछ और ज़्यादा भी जानना पड़ेगा, लेकिन क्या जानना पड़ेगा वो मुझे क्लियर नहीं है। तो इन द सेम मैनर आपको भी कुछ यहाँ लिखना है कि क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आप इसके बारे में लिखेंगे, आज के लिए इतना ही करेंगे हम, और केवल ये दो पोर्शन हाइपोमेनिया और मिस्ट्री टू सॉल्व आप करेंगे, और इसको ध्यान से करना है बेटा, क्योंकि मैं इस बार इसमें से जो कॉमिक पोर्शन है इसमें से भी क्वेश्चंस देने वाला हूँ, तो आप इसे बहुत से करोगे। ये कॉमिक पोर्शन ऐसे नहीं है कि हमने पहले बिल्कुल बेकार छोड़ दिया कि बस पढ़ो तो पढ़ो, नहीं तो कोई बात नहीं है, मैं इसके अंदर की कन्वर्सेशन में से भी कुछ दे सकता हूँ, ठीक है, और कुछ जानकारियाँ कुछ इन्फॉर्मेशन होती है इसके अंदर उसके बारे में भी दे सकता हूँ, और मिस्ट्री टू सॉल्व दे सकता हूँ, हाइपोमेनिया दे सकता हूँ। और मुझे इस बार आपसे केवल मिस्ट्री टू सॉल्व और हाइपोमेनिया ये आप सोच के लिखोगे और लिख के भेजना है। जो नहीं भेजेगा ना उसको, उसका मैं नाम नोट करके रखूँगा, उससे बात करूँगा बाद में, ठीक है। और ये आएंगे, ये आपके एग्ज़ाम्स में भी आ सकते हैं, ध्यान रखना आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आपको केवल दो चीज़ें करनी है, मिस्ट्री टू सॉल्व और हाइपोमेनिया। ओके देन, बाय।